जैसे मैंने कहा ना आपको, लोग अटकलें लगाएं, ख्याली पुलाव बनाएं, आरोप लगाएं, उंगलियां उठाएं, लेकिन हकीकत यह है कि सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने जो निर्णय लिए हैं उस पर हमें खरा उतरना है और कांग्रेस के तीनों राज्यसभा के उम्मीदवारों को जिताकर भेजना है। किसी को किसी प्रकार का कोई संशय नहीं होना चाहिए और जो लोग ये समझते हैं कि यहाँ कहीं कोई गुंजाइश है, उनको समझना चाहिए कि तीनों हमारे उम्मीदवार जीत कर जाएंगे और जितना बहुमत है उससे ज़्यादा वोट लेकर जीत कर जाएंगे। राजस्थान की जो विधानसभा है उसके आंकड़े बड़े स्पष्ट हैं। जैसा मैंने कल भी कहा, 125 से ज़्यादा विधायक कांग्रेस की सरकार को समर्थन दे रहे हैं, अन्य क्षेत्रीय दल भी हैं, निर्दलीय विधायक भी हैं और हम सब जानते हैं कि राज्यसभा के कानून क्या हैं। चुनाव के संदर्भ में जो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, सिंबल के हैं, वो सभी लोग अपना वोट दिखा के डालेंगे। तो मैं समझता हूँ किसी को बेवजह ये गणित नहीं बैठाना चाहिए। तो कांग्रेस के विधायक हैं वो सब वोट दिखा के डालेंगे और 3.5 साल से जो विधायक कांग्रेस सरकार को समर्थन दे रहे हैं, हर समय हमारे साथ रहे, मैं समझता हूँ वो सभी हमारे साथ रहेंगे और हमारी पार्टी के तीनों उम्मीदवार चुनाव जीत कर जाएंगे। कथित तौर पर जो 5वें कैंडिडेट हैं वो निर्दलीय हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि भाजपा के ही विधायकों ने उनका नामांकन भरवाया है। तो ये भाजपा के, लेकिन भाजपा का संख्या बल 70-71 का है, जीतने के लिए 82 चाहिए। तो को मैं समझता हूँ कितनी कोशिश कर लें लेकिन तीनों उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी जीत कर जाएंगे और न सिर्फ राजस्थान में, जहाँ जहाँ भी कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतार रही है वहाँ हमारी पार्टी के कैंडिडेट जीत कर जाएंगे। सर ये तो हुआ था, वहाँ पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई, अलग अलग समितियों ने रिपोर्ट डाली है और जो अंतिम डिक्लेरेशन आया था उसमें भारत जोड़ने का हम लोगों ने संकल्प लिया, यात्राएं हम लोग निकालेंगे और महिलाओं को, OBC, दलित, कमज़ोर वर्ग के साथी और नौजवानों को प्राथमिकता देने की बात करी थी, लेकिन वो सब AICC अपने तरफ पर कर रही है। ये जो चुनाव है ये समीकरण और जो AICC की ज़रूरतें हैं उसको देखकर किया जा रहा है। जैसे मैंने कल भी कहा था, जो उम्मीदवार हैं ये सबसे विस्तार चर्चा हुई है, चाहे हमारे मुख्यमंत्री महोदय हों, अलग अलग प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष हों, प्रभारी हों, सबसे चर्चा करने के बाद जो सबसे उपयुक्त निर्णय था वो कांग्रेस पार्टी ने किया है और भारतीय जनता पार्टी कितनी कोशिश कर ले, लेकिन राजस्थान सहित हमारे जो कांग्रेस शासित प्रदेश हैं, चाहे छत्तीसगढ़ चाहे हमारा राजस्थान हो, हम लोग अच्छी तरह चुनाव जीतेंगे। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि जितना लोग सोचते हैं उससे ज़्यादा मत लेकर हम लोग अपने उम्मीदवार जिताएंगे। संभावित है क्योंकि अब सरकार का जो BTP है, निर्दलीय है, ये सभी दल कांग्रेस की सरकार का समर्थन आज से नहीं कर रहे हैं, 2018 से कर रहे हैं। तो मुझे सब पे भरोसा हम सब लोगों को है, आप लोग फालतू में विवाद पैदा करने की कोशिश ना करें क्योंकि जो हमारे साथ लोग थे, बल्कि हो सकता है अब भाजपा का जो आप देखो देश में क्या हो रहा है, शिवसेना BJP के साथ थी वो छोड़ के चली गई, अकाली दल BJP के साथ थे वो छोड़ के चले गए, अलग बहुत सारे दल थे जो NDA का ही अपने आप बिखराव हो रहा है। तो मीडिया में कुछ भी आता रहे लेकिन जो NDA का गठबंधन था वो लगातार कमज़ोर होता जा रहा है। तो ऐसा क्यों सोचा जाए कि बाकी प्रदेशों में भाजपा को समर्थन वाले लोग बढ़ जाएंगे? भाजपा समर्थक पार्टियों की संख्या कम हो रही है और राजस्थान में हम लोग मजबूती से काम कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, भारी बहुमत के साथ हमारे उम्मीदवार जीतेंगे और जो भाजपा के साथी सोचते हैं कि कांग्रेस में सेंधमारी कर सकते हैं उनको भूल जाना चाहिए, क्योंकि सभी कांग्रेस के विधायक अपना वोट दिखाकर डालेंगे, ये कानून नियम है राज्यसभा का। तो बेवजह ये एक तरह का माहौल पैदा करने का मैं समझता हूँ कोई फायदा नहीं है। आज हमारी 2 दिवसीय कार्यशाला है, सब मिलकर यहाँ संकल्प भी लेंगे आने वाले समय में कैसे एकजुटता से चुनाव लड़ा जाए। और मैं बार बार कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी की सरकार कैसे रिपीट हो, हम लोग इस बात को मानना पड़ेगा हम लोगों को कि एक बार हम सिर्फ 50 विधायक रह गए थे, एक बार सिर्फ 21 विधायक रह गए थे। तो उन कारणों की चर्चा भी होनी चाहिए कि ऐसा क्या कारण है कि जनता बहुमत देती है और हम राजस्थान में सरकार रिपीट नहीं कर पाते हैं। हमारी सरकार रिपीट दिल्ली में हुई 3 बार, असम में हुई 3 बार, आंध्र में हुई 2 बार। ऐसा नहीं कांग्रेस सरकार रिपीट नहीं होती है, लेकिन किन कारणों से रिपीट नहीं कर पा रहे हैं और ये जो माहौल बना है मोदी जी के आने के, इससे पहले भी हम रिपीट नहीं कर पाए थे। तो उन कारणों पर हम चर्चा करेंगे और जो मैंने अपने सुझाव दिए हैं ICC को पिछले 1.5-2 साल पहले, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सोनिया गांधी जी का, उन्होंने उन विचारों को स्वीकार किया, समिति बनाई, उस कमेटी ने कुछ कदम भी उठाए हैं। हम सही दिशा पर सही कदम उठाकर आगे बढ़ेंगे तभी रिपीट कर पाएंगे और रिपीट करने के लिए सबकी एकजुटता से मंशा है कि हम सरकार रिपीट करें कांग्रेस की। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इस रास्ते पर चलेंगे, सही कदमों को उठाएंगे और पहले के जो हमने शायद कई कमियां रह गई हों उनसे सबक लेते हुए आगे बढ़ेंगे तो सरकार निश्चित रूप से रिपीट होगी। जनता कांग्रेस के साथ है, नौजवान वर्ग कांग्रेस के साथ है और ये कितनी भी कोशिश करें ध्रुवीकरण करने की, लेकिन नौजवान, किसान, छत्तीस कौम के लोग कांग्रेस के साथ रहेंगे और 2023 के चुनाव में हम लोग हमारी सरकार दोबारा बनाएंगे।